भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि 4 जून को एनडीए की सरकार बन रही है, जनता ने हम पर भरोसा किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग 4 जून को खटाखट टिकट कटवाकर विदेश भाग जाएंगे। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त भाजपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनसे हम बात करते हैं। अब चूंकि एग्जिट पोल के जो रुझान है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो एनडीए सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ा है, और उत्तर प्रदेश में भी जो लगातार दावे किए जा रहे थे उन दावों के करीब एग्जिट पोल है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है बार बार। देखिए, विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। आप अगर 2017 की बात से हम शुरू करें तो 300 सीट सपा जीत रही थी, आ गई 47 पर। 2019 में 60 सीट जीत रहे थे, आ गए 5 सीट पर। फिर 2022 में 400 सीट जीत रहे थे और 22 में हम नहीं होते तो कहाँ होते वो खुद जान लेते। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ही सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो स्ट्रांग रूम की निगरानी करें, मतगणना के वक्त जो है बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ईवीएम अगर नहीं गड़बड़ कर पाएंगे तो जो अधिकारी हैं वो मिलीभगत कर देंगे, इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, अभी और आरोप लगाएंगे तो उनका काम है विरोध करना। अब उन लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में ये बैठ गया है 2014 से कि हम अनर्गल बयानबाजी करेंगे और कुछ करना नहीं है। अब देखिएगा, जब 4 जून को 4 बजे आप लोगों के स्क्रीन पर जब रिजल्ट आने लगेगा 400 पार का, जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, तो ये क्या करेंगे जानते हैं? विपक्ष के लोग खटाखट 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 टिकट कराएंगे, फटाफट फटाफट बैठेंगे सीट पर और टनाटन गाते हुए निकल जाएंगे विदेश। कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, यही होगा।